ईरान की राजधानी तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान कभी भी इसराइल पर हमला कर सकता है। इस बीच अब ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने हलचल तेज कर दी है। खबर है कि इसराइल के साथ युद्ध के मुहाने पर खड़े ईरान को पाकिस्तान से अहम हथियार मिलने जा रहे हैं। यरूशलम पोस्ट ने स्रोतों के हवाले से दावा किया है कि ईरान का अगर इसराइल के साथ संघर्ष बढ़ता है तो पाकिस्तान उसे मीडियम रेंज की शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइलों की आपूर्ति करेगा। इस्लामिक सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में पाकिस्तान की ओर से ये जानकारी दी गई। ओआईसी की आपातकालीन बैठक ईरान और पाकिस्तान के अनुरोध पर सऊदी अरब में हुई है। सऊदी ओआईसी प्रतिनिधि ने बताया है कि तटीय शहर जिद्दा में हुई इस बैठक में इसराइल के फिलिस्तीन पर कब्जे और हानिया की हत्या पर चर्चा की गई। ईरानी विदेश मंत्रालय ने बताया कि ईरान और पाकिस्तान की ओर से गुजारिश किए जाने के बाद ये बैठक हुई है। 57 इस्लामिक देशों का प्रतिनिधित्व करने वाला ओआईसी खुद को मुस्लिम दुनिया के प्रतिनिधि संगठन के तौर पर पेश करता है। इसमें अरब देशों के साथ ही ईरान, पाकिस्तान और तुर्की जैसे प्रभावशाली गैर अरब देश भी शामिल हैं। पाकिस्तान की ओर से ईरान मिसाइल दिए जाने के वादे के दावे से पहले रूस से भी तेहरान को हथियार मिले हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक गैलेक्सी एयरलाइंस का एक रूसी IL-76TD कार्गो विमान 2 अगस्त को तेहरान हवाई अड्डे पर उतरा है। ये एयरलाइन हथियारों के ट्रांसपोर्ट के लिए जानी जाती है। ऐसे में रूस से ईरान में बड़ी संख्या में हथियार आने का दावा किया जा रहा है। इसी बीच द वॉल स्ट्रीट जर्नल में मंगलवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान सैन्य अभ्यास कर रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि आने वाले दिनों में इसराइल पर हमले की तैयारी है। अमेरिकी अधिकारियों को अभी भी नहीं पता है कि हमला कैसे हो सकता है या सटीक समय सीमा क्या हो सकती है। ईरान ने मिसाइल लॉन्चरों को स्थानांतरित करना और सैन्य प्रशिक्षण करना शुरू कर दिया है। बाइडेन प्रशासन के अधिकारियों को चिंता है कि इस बार ईरानी हमले के साथ हिजबुल्ला, लेबनानी मिलिशिया और अन्य तेहरान प्रॉक्सी के हमले भी हो सकते हैं। इसके साथ ही ये भी खबर सामने आ रही है कि इसराइल पर हमले के लिए ईरान प्रॉक्सी आर्मी का यूज कर सकता है। ईरान और उनके दशकों से हथियार देता आया है जो किसी भी हमले में भूमिका निभा सकती है।